आपका ब्लॉग पढ़ा था, उसमें फिल्टर्स के बारे में बताया था सर। वो फिल्टर्स को मतलब हम कैसे हटा सकते हैं, कि क्या तरीका है कि वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में पहले ना आए, जो मतलब लिखा हुआ था पर समझ नहीं आया। नहीं, वो चीज़ आ सकती है दिमाग में, आने में कोई बुराई नहीं है। दिमाग का काम ही यही है कि मेमोरी से पीछे से उठा के रिलेट करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तो एक पीछे से आती हुई बात है, इतना एहसास रहे। तुम ये ना कहने लग जाओ कि ये फैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी तुम्हें कल मारने आया था, आज तुम उसे दोबारा देखते हो, तुम्हें ये भूलने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो तुम्हें कल मारने आया था, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दिमाग ये मेमोरी तुरंत उछालेगा कि वही आदमी है जो कल तुझे मारने आया था, उसे तुम्हें ज़बरदस्ती भुलाने की या सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है कि कल मारने आया था। इतना काफ़ी है। सर ऐसे क्यों होता है कि हाँ हम हाथों में उतना वो सोच मतलब सोचते रहते, थिंकिंग हमारी हाथों में चलती रहती है, चाहे वो किसी भी टाइप की। बेटा थिंकिंग तलाश है, थॉट कुछ खोजने के लिए निकलता है। थॉट तब निकलता है जब मन समस्या अनुभव करता है। अगर कोई समस्या ना हो तो तुम्हें विचार उठेगा नहीं। तुम किसी तलाश में पड़े हो इसलिए सोचते रहते हो, और तलाश वही है बेफालतू जो तुम्हारे भीतर डाल दी गई है, मन इसीलिए तलाशता रहता है। आप कुछ भी अगर पहले खोजने जाते हो तो पहले दिमाग में थॉट उठता तब खोजने जाते हो ना, तो जो तलाश है बाहर बाद में शुरू होती है, पहले यहाँ शुरू होती है। मन तलाश में ही लगा रहता है हर समय, और वो कोई ऐसी चीज़ खोज रहा है जो खो ही नहीं है, बस उसको ये भ्रम हो गया है कि खो गई है। सर जैसे आपने कहा सर तलाश, हम तलाश ढूंढते रहते हैं अपने लिए, तो सर हमसे हर बार ये कहा जाता है कि मतलब लक्ष्य सेट करने के लिए, तो सर हमेशा से ये पूछा जाता है कि तुमने इंजीनियरिंग का क्यों ज्वाइन कर लिया डॉक्टरी के लिए, और सर मेरे पास सर इसका कोई कारण नहीं होता, तो सर ये सर सही है सर गलत है सर? नहीं, सही गलत की बात नहीं है, कारण नहीं है तो बोल तो भी कोई कारण नहीं है, ऐसे ही जिसके पास होता है। सर सर पूछते हैं कि कहीं से तो आया होगा तुम्हारे दिमाग में। हाँ कह देना सब कर रहे थे, मुझे ऐसी एडवाइस दी गई तो मैंने कर लिया। अब उसमें तो जो बात है उसको बता दो उसमें, और कहना कि वो बात आज से 3 साल पहले की थी, अभी बात बदल चुकी है। नहीं सर जैसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उन्हें पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग ली तो क्यों ली ये सब। भैया तुमने तो इसीलिए ली ना क्योंकि दुनिया ले रही थी, तो बस बोल दो इसीलिए ली, सभी इसीलिए लेते हैं। अब हम आपस में झूठ क्यों बोले एक दूसरे को? आपने मुझे पूछा आपने नौकरी क्यों ली, आप भी तो बीटेक या एमबीए कुछ करे बैठे हो, आपने काहे को करा? बोलो जिसलिए आपने करा तो उसी लिए मैंने करा। सब एक ही था नाव पे सवार है। जब आप आए तो हमें पहले से बोला था कि क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखो अपने, तो मैंने अच्छी तरह से लिस्ट बना ली थी, लेकिन वो बात में ऐसा क्या इरिटेशन था कि मैं सबसे पहले खड़ा हो गया था पूछा, वो बहुत देर तक तो मैं सोचता रहा क्या मैं पूछूँ नहीं पूछूँ, तो क्या चीज़ थी जो मेरे को रोक ली थी? तो मैं पता था कि पूछोगे तो आंसर मिल जाएगा इसलिए नहीं पूछ रहे थे। अगर तुम्हें पता हो ना कि मैं कोई बेवकूफ़ी की बात बोलूँगा तो तुम तुरंत पूछ लोगे, अगर तुम्हें पता हो कि मैं कोई ऐसा आंसर दूंगा जो किसी काम का नहीं है तो तुम्हें सवाल पूछने में कोई हिचक नहीं होगी। तुम्हें सवाल पूछने में हिचक होती है इसीलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने पूछा नहीं कि सवाल मिटेगा, और सवाल मिटेगा तो फिर तुम्हारी हॉबी ख़त्म हो जाएगी ना सोचना, तुम परेशान कैसे रहोगे? हमारी नेशनल जो हॉबी है, नेशनल नहीं ग्लोबल जो हॉबी है परेशान रहना, वो हॉबी ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हम सवाल पूछते ही नहीं है। सर 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 मेरे साथ ऐसा होता है, अभी कोई सर कहता है कि सवाल लिखो तो सर क्या होता हुआ, एक बार एक औरत
कि मुंह पे दाने निकले, अपने आप ठीक हो गए, जैसे दाने होते हैं अपने आप ठीक हो गए। एक दाना काला पड़ गया यहाँ पर, सड़ गया, सड़ के काला पड़ गया, अब यहाँ पे निशान है काला काला। पूरी दुनिया ने उसे क्या बोलना शुरू किया, ये तुम्हारा ब्यूटी स्पॉट है, ये ब्यूटी स्पॉट है यार, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल ले गया मेरा दिल। अब वो जो औरत है उसके दर्द होता है पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। एक बार एक डॉक्टर ने देख लिया कि ये तो परेशान है, यहाँ सूजा भी हुआ है और ये निशान बना है, यहाँ तो फोड़ा बन जाएगा, जहर बन जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसको मिलने आया, बोलता है ये है दिक्कत है, बोले ये कोई दिक्कत नहीं, मैं सुन ही नहीं रही हूँ। अरे दिक्कत है, बोले अरे मेरा पति बोलता है ब्यूटी स्पॉट है, पूरी दुनिया बोलती है ब्यूटी स्पॉट है, मेरी कीमत बढ़ गई है, मोहल्ले की मैगजीन में मेरा इंटरव्यू छप गया है इसी मारे। डॉक्टर ने कहा नहीं बीमारी है। अब डॉक्टर उसे दौड़ा आ रहा है, वो आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है, समझ रहे हो ना बात, बीमारी से मोहब्बत हो गई है, बीमारी से स्वार्थ जुड़ गए हैं, फिर तो डॉक्टर से भागोगे। सटीक का आंसर क्या देने बहुत आसान है ना, जो बात सीधी सीधी है बोल दो। इतनी सारी तो औरतें यहाँ बैठी हुई थी, सब यही कर रही थी तो बोल दिया। लेकिन सर सीधी बातें हमारे दिमाग में नहीं आती। नहीं सर, आप भी हमारी इससे गुजरा होता है। अब ये सीधा पेन है, इसको एक ऐसे बॉक्स में फिट करना है जिसमें जो ग्रूव बनी है वो ऐसे ऐसे है। बॉक्स में जो ग्रूव है वो खांचा, वो ऐसा है। ये पेन उसमें फिट होगा नहीं। तो बात तो सीधी है पर दिमाग में नहीं घुस रही, क्यों? दिमाग टेढ़ा है। जब दिमाग टेढ़ा है तो सीधी बात उसमें फिट नहीं होती नहीं, क्या करें। और फिट करनी है कई बार तो क्या करें, दिमाग तो ऐसे ही रहेगा, छेड़ मत दियो, मेरा दिमाग है। अब जरा इस पेन को तोड़ तोड़ के टेढ़ा कर दो, तो सर की बातें तोड़ो मरोड़ो। आधा समय तो मेरा इस बात में निकलता है कि तुम जो बोल रहे हो मैंने कब कहा, आज पहले ही साल का, सर आपने SIDP में 2 साल से आप यही बोल रहे हैं कि वो करो जो तुम्हें पसंद है, पर मैं कहा मैंने कब कहा कि वो करो जो पसंद है, सर आगे ब्लॉग में लिखा है, जेल भिजवाओ, कुछ भी लिखा है। ये बोलता है सर आप बोलते हो मौज में रहो, अगर मुझे हत्या करने में मौज आती है और मेरी रेप करने में मौज आती है। आज के सुबह के सवाल हैं ये। सर ये तो वही वाली बात होगी ना, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है अर्जुन मार, तुमने भी चप्पल उठाई और दे के मारी। कृष्ण ने बोला अर्जुन मार, और किसको मार, अपने खानदान वालों को मार, तो चप्पल उठा के घर में जो ही दिख रहा है उसको पटापट पीट रहा है, कृष्ण भक्त है। कृष्ण ने यही तो बोला है कि अर्जुन उठा के मार, इधर भाई बंधु जितने हैं, दादा पर दादा, पीट सबको। सर जो सर आप बातें बताते हैं तो वो हमारे अंदर भी कहीं होती है या हमें ढूंढनी पड़ती है? हमारे अंदर ही होती है। तो सर हमें पता क्या चलेगा, तो मतलब हमें ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की? तुम इस कमरे में बैठे हो, यहाँ एक हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा हो, और यहाँ तुम्हारे 50 उपद्रवी दोस्त बैठे हैं और वो हुल्लड़ कर रहे हैं और पेट बजा रहे हैं और बम बजा रहे हैं, हाँ कुर्सियाँ बजा रहे हैं, गेट बजा रहे हैं, तुम्हें हल्का सा म्यूज़िक सुनाई देगा? देगा? वो हल्का सा इंटरनल म्यूज़िक सुनाई दे, उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो तुमने उपद्रव भर रखा है ना दिमाग में,
इसको दूर करो। जब दिमाग में इतना ढोल बज रहा है तो उसमें हल्की सी बांसुरी की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? दिमाग को शांत क्या देगा? हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाते। दिमाग कोई चाहता नहीं है कि वो अशांत रहे। तुमने दिमाग में तत्व भर रखे हैं जो अशांत करते हैं, उन तत्वों को निकाल दो। दिमाग खुद परेशान रहता है अशांत। कौन चाहता है अशांत रहना? कोई है? सब चाहते हैं शांति, सबको मिलती है अशांति। मतलब क्या है? जब दिमाग शांति चाहता है तो मतलब किसी और ने ही अशांत कर रखा होगा, खुद तो वो नहीं करेगा। जिसने अशांत कर रखा उसको हटाओ। पर वही है, कैसे हटाएं? ब्यूटी स्पॉट है, गर्लफ्रेंड है, असली बात तो ये है उसी ने अशांत कर रखा है, उसको हटाएं भी तो कैसे हटाएं? वही तो मेरा ब्यूटी स्पॉट है। सारा खेल ही इसी बात का है बेटा। और जब वो बंद हो जाते हैं तो अगर दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता तो पीछे आवाज़ से सुनाई देती है। और अगर एक्चुअली अगर मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल शांत होने की कोशिश करता हूँ तो अंदर से कुछ आवाज़ कंटिन्यूसली आवाज़ कुछ सुनाई देती है। और उसमें अगर मैं कंसेंट्रेट करने की कोशिश करूँ कुछ आगे पता ही चलता है कुछ नहीं है। ऐसे कुछ मत करो उसके साथ, मन का प्रक्षेपण उसमें कोई दम नहीं। क्या होता है कि लोग ना दिमाग में घर कर जाते हैं, जैसा लास्ट मूवी 3 इयर्स हो रहा है। उससे पहले क्या होता था कि जैसे कुछ अच्छा होता था मेरे साथ तो एकदम मन में घबराहट आती थी कि कुछ अब गलत हो जाएगा, तो मैंने अपने आप को अनस्टेबल कर दिया था। अब क्या लगता है कि जो लोग मन में घर कर रहे हैं, दिमाग में घर कर रहे हैं कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब वो लोग मेरा जो अच्छा हो रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो सर इससे ना मतलब रेगुलरली टेंशन या फिर शांति। ये सब डर है, ये डर इसीलिए आता है क्योंकि भीतर से ना वो श्योरनेस, एक तरह की आश्वस्ति वो है नहीं। फर्म फेथ चाहिए, फिर ये दाएं बाएं 70 चीज़ें हैं इनसे डर नहीं लगता, हिलते नहीं हो। जिस आदमी के भीतर फेथ नहीं होती वो ऐसा होता है लुंज, कुछ भी आएगा वो हिल जाएगा। दृढ़ श्रद्धा, दुनिया कुछ कह ले हम जानते हैं, वो एक तरह की एरोगेंसी होती है। दूर से देखो तो एरोगेंस जैसी ही लगेगी। कहते रहो। पढ़ना अच्छा है, मतलब रीड करना पसंद नहीं है लेकिन सीखना अच्छा लगता है। मैं कोई जैसे ही होती है कोई चीज़ मुझे पता है अच्छी है, नॉवेल है कुछ भी है, मुझे पढ़ा नहीं जाता लेकिन अगर कोई मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। वो भी बड़ी बात है। तो ऑडियो बुक्स यूज़ कर सकते हो। रीडिंग तो सिर्फ आँख वाली चीज़ है, असली बात यह है कि उसका तत्व मिला कि नहीं, वो तुम सुन के भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पढ़ो ही, पर पढ़ो तो अच्छा है। अच्छा है सुन लिया करो। अब तो सीडीज आते हैं, हर अच्छी बुक अब ऑडियो बुक है। ऑडियो बुक जानते हो ना? तो सोसाइटी ने दिमाग में हमारे दिमाग में जिंदगी भर दी है कि वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, दिवाली, होली, ये सब एक नाम के वो है, कोई मतलब तो जानता नहीं, तो सर इससे बचा कैसे जाए? मत करो। गंदगी में कैसे? अगर जान रहे हो साफ साफ कि गंदा है, पानी में मक्खी पड़ी है, देख रहे हो मक्खी, कैसे पीते हो? कैसे पानी फेंकना पड़ता है यार? फिर